इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरे देश में जिस तरीके से लोकप्रियता है उस हिसाब से उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 3 मई से 7 मई तक मध्य प्रदेश के सतना जिले के माँ शारदा के धाम मैहर में कथा का वाचन करना था, लेकिन अचानक से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा वाचन करने से इनकार कर दिया। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्यों किया पहले तो यह पता ही नहीं चला। लोगों ने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा वाचन करने से इनकार कर दिया, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मैहर में कथा वाचन करने से क्यों इनकार किया, इस संबंध में उनने क्या कहा, यह सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। भगवती शारदा माई की जय, बागेश्वर धाम की जय, मैहर माता की जय। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको एक विषय अवगत कराना चाहते हैं। मई में 3 मई से होने वाली मैहर की जो है जो कथा थी, अति व्यस्तता के कारण, संतों की आज्ञा के कारण वह कथा का जो समय है उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे बागेश्वर धाम के परिकर के वहां के विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी के माध्यम से जो आयोजन होना था वह जनवरी के मध्य में होना सुनिश्चित हुआ है। चूंकि हमारी अति व्यस्तता हो गई और लगभग आज से ठीक 2 दिन पहले संतों की हमें आज्ञा लगी, तो संतों की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उस आज्ञा के कारण हम इस कथा को स्थगित करके जनवरी में समय सुनिश्चित करके आप सबकी सेवा करने और आप सबके दर्शन करने हम आएंगे, और इस बीच में हम भगवती को प्रणाम करने अवश्य आवेंगे। इस कथा को कैंसल ना मान करके तारीख को आगे बढ़ाया जाना माना जावे। बहुत बहुत श्री सीतार। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों सुनने के बाद क्या किसी को यह यकीन होगा कि संतों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा वाचने से मना कर दिया? बेहतर होता कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह भी बताते कि वह पूज्य संत कौन है जिनने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैहर में कथा वाचन करने से रोक दिया। क्योंकि जिस तरीके से मैहर के विधायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर तैयारी कर रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ों का एडवांस भी दे दिया गया था, इसके बाद आनन फानन में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके से कथा वाचन करने से इनकार किया उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि में तो बट्टा लगा ही है। अब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सीधे तौर पर यह कैसे स्वीकार करें कि उन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते इस कथा का आयोजन टाल दिया। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि अब हम जनवरी में कथा का वाचन करेंगे। बेहतर होगा कि नारायण त्रिपाठी ऐसे संतों से कथा का वाचन ही न कराएं, क्योंकि इस बात का क्या भरोसा कि जनवरी में वो कथा वाचेंगे या नहीं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मई के बाद जनवरी की तारीख क्यों दी, इसका भी राजनीतिक कारण जनता को समझना जरूरी है। 2023 नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो जाने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैहर में कथा वाचन करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ समझा जा सकता है कि जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी का गठन करके रीवा और शहडोल संभाग की 30 सीटों पर अपना ध्यान लगाया है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी के कद को और ऊंचा कर देती, इसलिए राजनीतिक दबाव के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के आयोजन को रद्द करा दिया गया। क्योंकि अभी तक विंध्य क्षेत्र में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की किसी भी व्यक्ति ने कथा नहीं कराई। ऐसे में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा के माध्यम से पूरे विंध्य क्षेत्र में यह संदेश जाता कि मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बड़ी कथा का आयोजन कराया जिसमें उन्हें धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति और ज़्यादा पसंद करने लगते और 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विंध्य जनता पार्टी का समर्थन कर सकते थे। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ भी कहें, लेकिन इतना तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीतिक दबाव के चलते मैहर नहीं आए। यदि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होता तो वह मई की कथा को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुखारविंद से यह स्वयं स्वीकार किया कि अब वे मैहर में कथा जनवरी में करेंगे।
जनवरी तक मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य बदल चुके होंगे, नई सरकार का गठन हो चुका होगा, कौन विधायक रहेगा कौन नहीं रहेगा यह सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी योजनाएं चलाने के बाद, लाडली लक्ष्मी बहना क्या क्या योजनाएं हैं, इतने सारे साधु संतों का आशीर्वाद होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार डर क्यों रही है? ऐसा उसने क्या किया है जिसके कारण से नारायण त्रिपाठी का डर उन्हें सता रहा है? जिस तरीके से भ्रष्टाचार गांव-गांव पसरा हुआ है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरे प्रदेश में खस्ता है। ऐसे में नारायण त्रिपाठी की घोषणा कि वे जनता पार्टी बनाकर 30 सीटों पर लड़ेंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के माथे पर परेशानी डालने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अहंकारी नेता यह बयान तो दे देते हैं कि अलग विंध्य का विंध्य क्षेत्र में कोई असर नहीं है, अगर वास्तविकता यही है तो फिर राजनीतिक दबाव के चलते आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को कैंसिल क्यों कराया गया? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी संत को राजनीतिक दबाव में आकर इस तरीके से कथा के आयोजन को रद्द करना चाहिए? आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।